हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। सो अभी हम बात करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में कितना पोर्शन प्रिपेयर करना है। तो ये चैप्टर बोर्ड ने पूरा रखा है, फुल चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है ये फिजिक्स का। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, फिर यहाँ पे करंट की बातें जो सभी लिखी है वो आपको पढ़ लेनी है। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते जाना है आपको टॉपिक वाइज। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसकी फार्मूला, SI यूनिट और उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। सर्किट डायग्राम बचपन से करते आ रहा है, ये सर्किट सिंबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये प्रिपेयर कर लेना है। फिर ओम्स लॉ, जो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे ओम्स लॉ का कंक्लूजन है जहाँ से रेजिस्टेंस की बातें शुरू होगी। फिर रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली बताया है, तो वो लेंथ, एरिया और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिकल डेटास दिए वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। यहाँ पे रेजिस्टिविटीज़ के वैल्यूज़ है वो एक बार देख लेने आपको। फिर न्यूमेरिकल्स है, प्रैक्टिस कर लेना इसको अच्छे से। फिर रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो रेजिस्टर्स इन सीरीज सबसे पहले, तो यहाँ पे उसका प्रूफ दिया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बेस जो भी सवाल है वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर उसके बाद पैरेलल रेजिस्टर्स, तो उसका इक्विवेलेंट का डेरिवेशन यहाँ पे दिया है, उसके बेस न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है आपको। फिर उसके बाद हीटिंग इफेक्ट्स, ये पूरा का पूरा आपको पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके बेस जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करना है। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, और उसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल है आखिरी दो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी भी पूरा चैप्टर आएगा, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, प्रैक्टिस करना। ओके, सो थैंक यू सो मच।